शादी हो चुका है गाइस। देखो यहाँ से लाइन शुरू होते हुए यहाँ पे अंदर तक जाता है मंदिर। नया चीज एक्सप्लोर करके कोई फायदा नहीं है। मैंने तो खिला दिया, अभी मेरी बारी, देखता हूँ मैं खिला पाता हूँ कि नहीं पाता हूँ। तो भाई मैंने खिला दिया फाइनली कछुए को। तो भाई फाइनली सब कुछ डन हो चुका है। भाई जय श्री राम आप सभी को, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही मस्त होंगे और गाइज मस्त होने भी चाहिए। तो फुल पावर गाइज, आज का व्लॉग टाइटल और थंबनेल देख के आप लोगों को मालूम ही चल गया होगा। बाकी तो भाई मैं मोटर व्लॉग में आप लोगों को बताता रहूँगा कि कहाँ पर जा रहे हैं हम लोग। और बाकी देख रहे हो भाई कैसा लग रहा है आप लोग, कमेंट में जरूर से बताना आपका भाई न्यू लुक में। इतने दिनों से काली पूरा गंदी होके रखी थी, अभी भाई पूरा चमचमाती हो चुकी है, चेन पूरा क्लीन हो चुका है। यहाँ पे टाइम ना वेस्ट करते हैं, मिलते हैं मोटर व्लॉग में। और सामने देख सकते हो, मेरे पीछे देख सकते हो, लाल परी मैदान खड़ी। फाइनली बॉयज एंड गर्ल्स, मैं अपने काली को लेके चल रहा हूँ पूजा करवाने के लिए। अभी आप लोग सोच रहे होंगे आकाश भाई आपने दिसंबर में काली को लिया था और पूजा करवा रहे हो मई में, ये क्या सीन है? सीन कुछ ऐसा है कि जब मैंने काली को लिया था तब मैंने पूजा करवा लिया था, और लेने से पहले ना मैंने सोचा था कामाख्या मंदिर पे जाके पूजा करवाना है, और हमारे यहाँ पर एक गणेश मंदिर है वहाँ पर भी जाके पूजा करवाना है। सही है, तो गणेश मंदिर में तो अभी तक नहीं हुआ, लेकिन आज हम लोग जा रहे हैं, इसी वजह से हम लोग जा रहे हैं कामाख्या मंदिर। मतलब लेने के बाद मैंने पूजा करवा लिया था हमारे यहाँ से। तो भाई ये समझ सकते हो आप, एक मैंने मन्नत मांगा था, जब मैं काली को खरीदूंगा तब मैं कामाख्या टेम्पल पे आके पूजा करवाऊंगा। और बाकी फुल पावर हम लोगों का गाँव का जो भी ब्लॉग वगैरह है सब कुछ आ चुका है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो देख लो भाई जाके, क्योंकि मैं भाई देख रहा हूँ कि इतना दूर जाके राइड करके नया नया चीज़ एक्सप्लोर करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप लोग नहीं देखते हो। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। और इस बारे में भाई मैं आज बात एकदम ही नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि आज मेरा जो मूड है ना भाई थोड़ा हैप्पी हैप्पी है, क्योंकि काली को मैं पूजा करवाने वाला हूँ, है ना। तो इस बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे। और भाई देख सकते हो सामने की तरफ कितना ट्रैफिक लग चुका है, भैया कैसे पहुँचे फटाफट। निकलने का टाइम था 8:30 को, निकल रहे 9:30 को, एक घंटा ऑलरेडी लेट हो चुके हैं गाइस। इन कोई बात नहीं, धीरे धीरे चले जाएंगे। रात से मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, फाइनली मैं अपने काली का पूजा करवाने वाला हूँ। पूजा से मेरे को एक चीज़ याद आ गया, काली को जब मैंने लाया था और पूजा करवाया था ना, ब्लॉग नहीं बनाया था, लेकिन एक मिनी ब्लॉग बनाया था, वो मैंने डाला ही नहीं, मतलब मेरे मोबाइल पे है। तो अगर आप लोग बोलते हो भाई डाल दो मिनी व्लॉग, कमेंट में जरूर से बताना। भाई ट्रेन का इस फास्ट देखो भाई, कितना फास्ट चला गया। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं माँ कामाख्या के टेम्पल। ऐसे तो भाई बहुत दफ़ा आते हैं लेकिन अंदर जाना नहीं होता, तो भाई आज अंदर जाएंगे और अंदर जाके भी ब्लॉग बनाएंगे। बाकी आज दर्शन नहीं करेंगे, मतलब दर्शन अगर करना होता है ना गाइस तो मिनिमम 3:30 बजे आना होता है। जनरल लाइन में जाते हैं ना तो 3:30 बजे आके लाइन देना पड़ता है, तभी जाके आप लोग दर्शन कर पाते हो। दर्शन भी हम लोग बहुत ही जल्द करने वाले हैं, एक प्लान बना रहे हैं, लेकिन उस दिन शायद से मोटो व्लॉग नहीं बनाएंगे। आज तो भाई दर्शन नहीं, लेकिन मंदिर के अंदर हम लोग जाने वाले हैं और आप लोगों को भी सीन वगैरह चेक करवाने वाले हैं अंदर का कैसा है। मैंने एक व्लॉग में आप लोगों को बताया था कि अंदर जाके व्लॉग बनाओ कि नहीं बनाओ बताना आप लोग। तो आज भाई फाइनली हम लोग जाने वाले हैं। पहुंच चुके हैं मंदिर के अंदर और आज ना गाइस बहुत ही ज्यादा मंदिर में भीड़ है, और भाई हमारी जो प्रो है वो यहाँ पे पूजा कर रही है। लाइन चेक करो कितना लंबा लाइन है, इधर से आता है, यहाँ से देखो यहाँ से लाइन शुरू होते हुए यहाँ पे अंदर तक जाता है मंदिर के। गाइज आज जो है ना मंदिर में बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, और गाइज ये चेक करो, ये हमारी जय माता दी। दो जगह पर हम लोगों ने अभी तक पूजा कर लिया है और यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं कुछ देखने के लिए, जो कि आपको हम दिखाने वाले हैं। तो भाई यहाँ पे चेक मारो, प्रो खिला रही है कछुए को खाना, और प्रो डर भी रही है कि खाना कैसे खिलाया जाए, क्योंकि अगर मुँह में हाथ चला गया ना गाइज तो सीन हो जाएगा। भैया जी प्रो ने तो खिला दिया, अभी मेरी बारी, देखता हूँ मैं खिला पाता हूँ कि नहीं पाता हूँ। तो भाई मैंने खिला दिया फाइनली कछुए को, जो हमने मंदिर में पूजा किया था ना पेरे का, तो वही हमने खिलाया। अभी हम लोगों ने मतलब फर्स्ट टाइम कछुए को पकड़ा है गाइस, कितना मुलायम है।
रे रे अभी हम लोग मंदिर से आ चुके हैं और फाइनली जाके अभी होने वाला है काली का पूजा। पूजा के लिए गाइस मैंने ये सामान भी ले लिया, बाकी फुल पावर अपनी काली का पूजा फाइनली हो गया है। यहाँ पे गाइस कुछ सिनेमेटिक वगैरह लेंगे हम, काली का साथ भी आ चुका है तो एक बार खिला देते हैं काली को। भाई फुल पावर यहाँ से निकलते और ये तो क्या ही बोले। तो भाई फाइनली सब कुछ डन हो चुका है और गाइज आज ना मंदिर में काफ़ी ज़्यादा भीड़ था तो मैंने इतना वीडियो शूट नहीं किया, सिनेमेटिक में कुछ डाल दूंगा। और अभी फुल पावर कहीं पर जाएंगे खाने के लिए और फ्रंट में गाइज अभी देख सकते हो काली पे कपड़ा चढ़ चुका है और माला सामने की तरफ है, यहाँ पर भी माला है। और आज का व्लॉग ना गाइज यहाँ पर एंड करेंगे। बाकी मंदिर में कैसा लगा प्रो? बहुत अच्छा लगा। सो भाई लोग ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर से बताना, ब्लॉग को एक लाइक कर देना और प्यारा से कमेंट कर दो। और ब्लॉग में जो भी नए हो गाइज फटाफट जाके सब्सक्राइब करो चैनल को। मिलते हैं बहुत ही जल्द, तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, आबाद रहो और खुशियां बांटते रहो। डियर्स बाय बाय।